बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है, चेहरा एकदम क्लीन हो गया है। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो आपको पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं है, पार्लर जाना आप बिल्कुल भूल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं सुमैया। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं ठीक होंगे और खुश भी होंगे अपने घर में। तो गाइस, आज मैं ये अर्जेंट में वीडियो बना रही हूं। आज मैं स्क्रब कर दिखाऊंगी, मेरे यहाँ शादी है तो मैं आज स्क्रब कर रही थी, क्योंकि मैं पार्लर बहुत कमी से जाती हूँ। जो भी चीज़ें होती है मैं घर पर ही करती हूँ, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग या फेशियल हुआ, तो मैं ये सब चीज़ें घर पर ही करती हूँ। तो आज मैं स्क्रब करने जा रही थी, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से स्क्रब करती हूँ। सिर्फ हम दो चीज़ों से घर में स्क्रब कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और आपके चेहरे पर एक निखार आ जाएगा, डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और बाहर से भी कुछ नहीं लाना होगा, आप घर में रखी चीजों से स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब करने से क्या होता है, स्क्रब करने से क्या होता है कि हमारी डेड स्किन बिल्कुल रिमूव हो जाती है, हमारे चेहरे पर निखार आ जाता है। और जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी स्किन को लाइट एंड वाइटन करने का भी काम करते हैं, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें स्क्रब के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। इस स्क्रब को बनाने के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला जो हमारा इन्ग्रीडियंट है वो है टमाटो, तो हम टमाटर ले लेंगे और उसे हाफ कर लेंगे। तो गाइस देखिए, ये हमारा हाफ हो गया है। गाइस हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप सूखे चावल ले लीजिए और उन्हें मिक्सी में पीस लीजिए और इस तरह से उनका पाउडर बना लीजिए। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमारी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करने में, बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो चावल का आटा हम ले लेंगे और ये है हमारा हाफ टमाटर। तो हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें इसमें लगाना है चावल का आटा और अपने फेस की अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। देखिए इस तरह से, टमाटर में एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को लाइटन करने का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और सबसे अच्छी बात है इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम पूरे फेस की इस तरह से स्क्रबिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से ले लेकर। गाइस इस तरह से हल्के हाथों से आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें, स्क्रबिंग करें। देखिए आपका फ्री का स्क्रब हो जाएगा, क्योंकि बाहर से मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, दोनों चीज़ें आपके घर में किचन में इजीली मिल जाएंगी, तो बहुत इजीली आप ये स्क्रब कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपको अचानक से कहीं पार्टी में जाना पड़ जाता है तो आप इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं, अपनी स्किन को लाइटन बना सकते हैं, बिल्कुल फेशियल जैसा आपका लुक होगा इसे यूज़ करके। पूरे फेस की इस तरह से आप स्क्रबिंग कर लीजिए, इधर नोज़ के कॉर्नर में डेड स्किन बहुत होती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो हल्के हल्के आप इस तरह से इसे प्रेस करते रहिएगा जिससे कि इसका जूस निकलता रहे। इसकी आप हल्के हाथों से ही स्क्रबिंग करेंगे 10 मिनट्स तक और उसके बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गाइस हमारी स्क्रबिंग हो गई है, अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए जब तक कि अच्छे से सूख ना जाए और उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर अलग ही निखार दिखने को मिलेगा, आपका चेहरा क्लीन लगेगा। तो गाइस देखिए, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आपको क्लीन लग रहा होगा,
तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। इस तरह से आप ट्राई करिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप पर इसे यूज़ किया जा सकता है। और बाहर से भी कुछ नहीं लाना है, सिर्फ दो चीज़ों से आप घर में अपनी स्क्रबिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, और इसे आपको वीक में 4 टाइम्स ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीक में एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया, तो उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीक में 4 टाइम्स ज़रूर करना होगा बेस्ट रिजल्ट के लिए। गाइज़ देखा आपने कि दो चीज़ों से हम घर में किस तरह से स्क्रब कर सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर जाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मैं भी पार्लर बहुत कमी से जाती हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें घर पे ही करती हूँ। और स्क्रबिंग हुई या फिर क्लिंजिंग हुई, फेशियल हुआ, तो हम ये चीज़ें घर पर भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी कम बजट में चाह रहे हैं स्क्रब करना या फेशियल करना, तो फेशियल की भी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और स्क्रब का मैंने आपको अब दिखाई दिया है कि हम किस तरह से स्क्रब कर सकते हैं। तो इसे आप वीक में 4 टाइम्स ज़रूर करिए, तो आपकी ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी स्किन से रिलेटेड। गाइस इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगी। और इस तरह की वीडियो मैं डालती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।